वेलकम बैक टू माय चैनल गिम्स ट्विंकल आराम ट्विंकल। सो गाइस, एज यू ऑल नो, जन्माष्टमी स्टार्ट हो चुकी है। जन्माष्टमी की सेलिब्रेशन, जन्माष्टमी का मेला, झांकियाँ बहुत जगह पे लग रही हैं, जहाँ पर बहुत मज़ा आता है, बहुत फन होता है। सो आज से इस वीडियोज़ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जन्माष्टमी के मेले सेलिब्रेशन कहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन से मेले में क्या है, कितने की टिकट है, कहाँ पर फ्री एंट्री है, कौन से मेले में कहाँ पर क्या चीज़ है, कितना मज़ा आता है, कौन सा मेला सबसे बड़ा है, सब कुछ। सो मैं आपको बड़े से लेकर छोटे मेले हर जगह पर लेकर जाऊँगी, जहाँ जहाँ पर मैं विजिट करता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हम जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ पंजाबी बाग के जन्माष्टमी मेले में। जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा पंजाबी बाग का जन्माष्टमी मेला कितना बड़ा, कितना पॉपुलर, कितना फेमस होता है। सो मैं आपको वही सब कुछ आज कवर अप करके दिखाने वाली हूँ। ये है हमारा पार्ट वन, जिसमें मैं आपको लेकर जा रही हूँ पंजाबी बाग जन्माष्टमी झांकी में। और पार्ट टू, यानी कि जो वीडियो आज थोड़ी देर बाद या फिर कल आ जाएगी आपके पास, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ जन्माष्टमी मेला पंजाबी बाग का। ठीक है, तो ये दो वीडियोस हमारी डन हो चुकी हैं। इसके बाद आगे आगे हम जाते रहेंगे, जन्माष्टमी में कवर अप करते रहेंगे और वीडियोस आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही में वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है yummy.tasty और glimpse twinkle, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पंजाबी बाग मेले की, एंड तक वॉच करना, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गो टू पंजाबी बाग जन्माष्टमी मेला। तो गाइज़, हम पहुंच चुके हैं पंजाबी बाग और आप देख सकते हो जो सामने आपको दिख रहा है पूरा पंजाबी बाग का मेला है। ऐसे गेट्स एंट्री पे सजाए गए हैं, जन्माष्टमी मेले पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर आपको वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि कहाँ से एंट्री होनी है, आपको वो बता देंगे। झांकी की एंट्री अलग से है, और अगर आपको डायरेक्ट मेले में जाना है झांकियाँ नहीं देखनी तो उसकी एंट्री अलग से है। तो हमने झांकी वाली जगह से एंट्री ली है, जहाँ से हमें मेला और झांकी दोनों देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप झांकियाँ देख सकते हो इनकी, कृष्ण जी की जो भी पूरी जीवन कथा है झांकी के रूप में इधर दिखाई गई है, हर एक रूप को इसमें दिखाया गया। और नीचे आपको यहाँ पर जो येलो पोस्टर लगाया गया उसमें देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पर किस चीज़ की झांकी उन्होंने प्रेजेंट करी गई है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा देखने को लगता है, एकदम रियल व्यू लगता है। जैसे अगर आप उसको रियल में देखोगे बहुत ही अच्छा व्यू आता है देखने को। जैसे पूतना वध, जब कृष्ण जी ने पूतना का वध किया गया था, तो वो वाला पूरा सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है पूरी एनिमेशन के साथ, कि किस तरह से कृष्ण जी वो पूतना के ऊपर बैठ के उनका वध किया था। देन ये वाला दृश्य आप देखो, अगर जिसको भी पूरी कृष्ण जी की जीवन कथा है वो जान पाएंगे, उनको पता होगा कि कहाँ पर क्या है। जिनके नहीं पता हो उनके लिए नीचे येलो कलर का पोस्टर लगाया गया है, सो दैट ये जस्ट अ ग्लिम्स है कि आपको पता चल जाए कि कृष्ण जी के जीवन में क्या क्या हुआ था, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कहा, कहा क्या क्या किया था, सब कुछ पता चल सकता है आपको। जैसे जब कृष्ण जी अपने सखियों के साथ थे तो किस तरह से वो डांस कर रहे थे, गाना गाया था, अपनी बांसुरी की धुन सुना रहे थे, और बाकी जो गोपियाँ थी वो किस तरह से उनकी वो आवाज़ उनका मदन हो गई थी और नृत्य कर रही थी, वो सब कुछ आपको सीन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ये दृश्य देखो कितना ज़्यादा रियल है। ये समृद्ध मंथन है, इसके बाद राधा जी को झूला झुलाते हुए श्री कृष्ण, जब राधा जी को वो समुद्र के किनारे श्री कृष्ण जी झूला खिलाते थे, तो पूरा का पूरा दृश्य है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एनिमेटेड, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इन्होंने यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसलिए ये जन्माष्टमी की जो झांकी मानी जाती है पंजाबी बाग की, बहुत ही बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है, जो दृश्य होता है ना, बिल्कुल रियल व्यू देते हैं, सो जो बहुत ही अच्छा दिखता है। ये देखो सुदामा जी के पाँव परखते हुए श्री कृष्ण जी और राधा जी, ठीक है। द्रौपदी चीरहरण, ये वाला भी पूरा दृश्य है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से ऊपर कृष्ण जी द्रौपदी की मदद करते हैं, द्रौपदी चीरहरण का सीन है ये। अब आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, और ये देखिए ये वाला दृश्य कितना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो कितना ज़्यादा वो रियल लग रहा है, कि हम
डायरेक्ट जैसे वहीं पर ही है द्रौपदी समर। और ये जो लाइंस दिख रही है, चार लाइंस बनाई गई हैं, सो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आपको वेट करना पड़ेगा या रुकना पड़ेगा। चार चार लाइंस है, हर किसी के बीच में एक लाइन लगाई गई है कि आप आराम से जाओ, देखो, इन्जॉय करो। चार लाइंस है, हम सबसे फ्रंट लाइन में खड़े हैं जहाँ से आपको एकदम क्लियर दिखता है, एकदम क्लियर व्यू है। ऐसा नहीं है कि पीछे वालों को नहीं दिखता, बिकॉज़ हर एक स्टेप हर एक लाइन का एक से ऊपर एक है। मतलब जो स्टार्टिंग वाला है उनका एकदम बॉटम वाला है, और सेकेंड लाइन थोड़ी सी ऊपर है, और जब से लास्ट वाली फोर्थ लाइन है वो काफ़ी ऊपर है। सो सर सबको एकदम क्लियर दिख पाए, अच्छे से दिख पाए। ये चंद्रयान के भी फिर बीच में इन्होंने लगाए गए, चंद्रयान 3 की सफलता हुई है तो उसका भी इन्होंने एक ग्लिम्स डाला है। देन आगे मोदी जी का एक और पोस्टर, जो अभी हमारे यहाँ पर दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, जिसमें सारे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आने वाले हैं, उसका भी है ये। तो पूरा कृष्ण जी का दृश्य जब ख़त्म हुआ है, सारी उनकी जीवन कथा का जब समाप्त हुई है, तब जाके ये चंद्रयान और मोदी जी का पोस्टर लगाया गया। फिर हम आगे जाके आगे देखेंगे, यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है, लेफ़्ट होके फिर कृष्ण जी को हमने झूला झुलाना है, और हम उनको झूला झुलाएंगे, साथ में प्रसाद है, दान पत्र है, आपको जो करना है आप वो दान पत्र में दान दे सकते हैं। तो ये कृष्ण जी को आप झूला भी झुला सकते हैं। फिर यहाँ से अगर आपको एग्ज़िट करना है, मेले में नहीं जाना, तो आप सीधे राइट में टर्न हो जाएंगे, और अगर आपको मेले में जाना है तो आप सीधे जाते जाएंगे। ये प्रसाद हमें मिला था कृष्ण जी का जब हमने झूला झुलाया था, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ से एग्ज़िट करना है तो ये सामने से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स है, बॉडी गार्ड्स है, हर कोई है, आप ईज़िली आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कहाँ से एग्ज़िट करना है, कहाँ से एंटर करना है, दे आर देयर फॉर यू। और फिर ये मेला है जो कि मैं आपको पार्ट 2 में दिखाने वाली हूँ। मेला बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, बहुत मज़ा आएगा, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस कर मत करना। पंजाबी बाग ज़रूर विज़िट करना, और विज़िट करने से पहले वीडियो को देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी से लेकर आऊँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि कब आपके पास ये वीडियो आने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छा लगा होगा आपको। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2 कमिंग सून। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है yummytummy.tasty, और ग्लिम्स इट ट्विंकल, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।